Hello student welcome back to CUT by Adda 247 I Anita Sharma and I am Akaga welcome you to the registration process of BR Ambedkar Ambedka. University yes. which is of Yes, तो, तो हाँ जैसे कि आप लोगों को पता है कि CUET के जो UG के एग्जाम्स है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं जिसमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया BHU हो गया और आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गया राइट ये सबके रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो गए हैं अभी अगर मैं बात करूं तो बी आर का भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है तो इसकी मैं एक बार डेट्स बता देते हैं बिल्कुल ये कब से स्टार्ट हुआ है और कब तक रहने वाला है जी तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए बिल्कुल स्टार्ट लिखा है कि स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द सबमिशन फ्रॉम द एकेडमिक ईयर सी यू टी यू जी के लिए 16 जून से ये रजिस्ट्रेशन ओपन जो है आपके फॉर्म फिलिंग के ओपन हो चुके हैं और इसके लास्ट डेट जो है वो 16 जुलाई की है मतलब भी ठीक है अभी आप सोच रहे हो कि अभी बहुत सारा टाइम है लेकिन बच्चे आपको लास्ट डेट तक का बिल्कुल इंतजार नहीं करना है वेट नहीं करना है ना ही आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा उसको लेट करना है तो बीच का जो प्रोसेस है बहुत ही सोच समझ कर ध्यान से आप सारी चीजों को फिल करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं बता रहे हैं, उसको बहुत ही ध्यान से अंडरस्टैंड करके और फिर आपको फिल करना है ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए बिल्कुल मैम और यहां पर मैं ये भी बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स को कि देखो ये तो बहुत क्रूशियल होता है क्योंकि आपने एक भी हल अपने फॉर्म में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं राइट तो उसको हम लोग बहुत ध्यान से फिल करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोग को यह पता होना चाहिए कि अगर आप सीयूटी के लिए जा रहे हो तो सीयूटी में बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ डेली में आपके लिस्ट

तो, उस पर बात कर लेते हैं हाँ, तो यहाँ पर मैम बहुत सारी वैसे तो देखो स्टूडेंट जो भी साइंस साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है तो उनके लिए कोर्सेज यहाँ पर है ही नहीं तो किन बच्चों के लिए कौन कौन से कोर्सेज है तो सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया डिग्री कौन सी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बीबीए करने जो बच्चा बीबीए करना चाहता है और ये इनका प्रोग्राम है और ये उनके जो स्पेसिफिक जो भी मैंशन आपको करने है या जो रिक्वायर्ड है वो इसमें क्या चीज है वो सेक्शन ए मतलब इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज होनी चाहिए और सेक्शन थ्री से क्या होना जनरल टेस्ट तो ये आपकी रिक्वायर्ड है लेकिन आपको एक चीज मैं पर बता देती हूँ मैम मैं यहाँ पर यह हाँ। भी बोलना चाहूंगी की आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आप कौन सी डिग्री के लिए जा रहे हाँ। हो आपका प्रोग्राम कौन सा है राइट आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब आपने सीवीडी में कौन कौन से दिए होने चाहिए या फिर आपके पास ट्वेल्थ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था अभी जैसे मैंने मैम ने बात किया बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दैट इज बीबीए राइट वैसे आपको यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज भी बहुत सारे मिल जाएंगे राइट वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं फिर अगर आप नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो बैचलर ऑफ आर्ट्स ठीक है ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज बहुत आपको मिल जाते हैं ठीक और आगे अगर आप बढ़ोगे ना तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे कि मैम ने बताया बीबी -बी के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपको एक लैंग्वेज दिया होना चाहिए सीयूटी में और दूसरा आपको जनरल टेस्ट दिया होना चाहिए सिमिलरली आप देखो वोकेशनल कोर्सेज के लिए जा रहे हो तो उन्होंने जनरल टेस्ट मैंडेटरी किया हुआ है राइट तो अब आप अगर नीचे स्टॉल करते जाओगे सो तो यू गेट टू नो कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या सब्जेक्ट मैपिंग की जरूरत है सीयूटी में इसी के साथ एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर लेना कि आपके ट्वेल्थ में कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए या इसमें इन्होंने मांगा भी है या नहीं मांगा है ठीक है और ट्वेल्थ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने

कि अगर आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए जाना है तो आप किस तरीके से जाओगे तो हम वापस यहां पर आते हैं ठीक है हम हमारे एडमिशन वाले प्रोसेस पे थे आप देखो यहाँ पे आपके पास एवरीथिंग इज गिवन एडमिशन 2023 ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म इंस्ट्रक्शन मतलब अगर आपको ये जानना है कि एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस क्या है तो वो आप यहाँ से जान सकते हो दस इज एडमिशन ब्रॉशर जहाँ पे उन्होंने फीस वगैरह को भी मैंशन किया है जब मैं बी आर अम्बेडकर का एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बता दूंगी और यहाँ पे कैसे फिल करना है ये सारी चीज़ें मैंशन करी हुई हैं राइट तो मैम एक बार हम इस पर क्लिक कर देते हैं ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पर सो आपको इस तरह का कुछ प्रीफेस दिख रहा है राइट जी मैं तो अब मैं बच्चे यहां पे हो मुझे तो दिखी तो तो नहीं रहा रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे उसको रजिस्टर करेंगे बिल्कुल तो तो हम बता देते हैं इसको बिल्कुल तो हम ऊपर जाएंगे हमें किस पे क्लिक करना है तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरीके का प्रीफेस इसमें हमें फिल करना होगा यहाँ पर जैसे मेंशन किया गया है कि नंबर ठीक है जो भी आपका सी एप्लीकेशन नंबर दिया होगा जब आपने सीयूटी फॉर्म फिल किया होगा तो करना है एडमिट कार्ड ओपन करके होगा आपका और सेकंड में है आपका ठीक है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो इसमें फिल करनी है जो भी आपने अपनी सीयूटी में फिल की होगी मतलब सीयूटी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपके सामने एडमिट कार्ड होगा ना बस सारी जो डिटेल्स है वो

क्रिएट कर सकते हो पासवर्ड मतलब जनरली पासवर्ड को बोलता है स्ट्रॉन्ग है ना तो आप कुछ भी एक्सवाइज ही भर दोगे तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा लेकिन सपोज अगर मैं अपने लिए बात कर रही हूँ मेरे को अपना यहाँ पर फिल करना है तो मैं यहाँ पर डालूंगी रुबैका तो रुबेका में आर कैपिटल कर दूंगी और पूरा आपका ये जो स्मॉल होगा रुबैका उसके बाद ना यहाँ पर आपको एक सिंबल भी डालना होता है तो वो एट द रेट डाल देते हो फिर आपको न्यूम्रिक्स डाल देते हो तो अल्फ़ा न्यूम्रिक्स ये होता है ये विद कैपिटल लेटर स्टार्टिंग राइट तो इस तरीके से आपने पासवर्ड डाल दिया कुछ भी जो भी जो आप बनाना चाहो बना सकते हो लेकिन नंबर्स भी होने चाहिए एक सिंबल भी होना चाहिए ठीक है नेम होना चाहिए वो एल्फोबेट्स होने चाहिए और साथ में वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है अब इसको आप री एंटर करेंगे और फिर यहाँ पर क्या कर देंगे वेरिफिकेशन डाल देंगे वन टाइम पासवर्ड इज वेरी नेसेसरी अगर मान लीजिए आपके पास पासवर्ड नहीं आता ओटीपी नहीं आता है तो आप सबमिट करोगे ना तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखाएगा कि वो नहीं हो पा रहा है तो फिर आप रिसेंट भी कर सकते हो थोड़ा वेट करना आपके मेल पर जैसे ही आएगा वैसे ही आप यहाँ पर उसको एंटर कर सकते हो मेल चेक कर लेना कहीं ऐसा तो नहीं है पूरा फिल हो गया क्योंकि प्रॉब्लम होती है जब आपकी मेल पूरी तरीके से फिल होता है ना तो फिर वो शो नहीं करता पासवर्ड ठीक <laughs> अब हम आगे चलते हैं हमारे आगे के प्रोसेस के लिए अब देखो आप

बिल्कुल एक बार हम बैक जाते हैं वापस जाकर के इनको दिखा देते हैं कि क्या चीज में क्लियरलीयर तो जब भी आपका सीयूटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तब उसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हो उसके बाद जो है जो भी आपको इसमें फॉर्म मतलब जो भी कोर्सेज आपको या जो भी प्रोग्राम आपको फिल करने हैं तो वो डिक्लेयर होने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आप उसमें फिल करोगे अब इन्होंने

मेल ऑथेंटिक मोबाइल नंबर या फिर आईयू सिटीजन ऑफ इंडिया इसको आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा या फिल करने का ऑप्शन मिलेगा आप इसे फिल कर देना ब्लड ग्रुप आपका जो भी है वो आपको चेंज करने के लिए मिलेगा ए बी पॉजिटिव है ए पॉजिटिव है जो भी है लिख देना रिलीजन हिंदू हो आ, मुस्लिम हो सिख हो जो भी हो व्हाट सोएवर लिख देना क्रिश्चियन फिर उसके बाद आपको यहां पर एक आईडी प्रूफ की जरूरत होगी जो भी आईडी प्रूफ आपके पास है आपके पास आधार कार्ड है आपके पास वोटर आई डी कार्ड है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वैसे तो पॉसिबिलिटी होना होना चाहिए चाहिए बस उसका प्रूफ नंबर मांगेगा तो वो आपको लिखना पड़ेगा फिर आपको फैमिली डिटेल्स लिखनी है आप अपना मम्मी पापा का नाम चेंज नहीं कर सकते लेकिन बाकी ऑप्शन आपको चेंज करने पड़ेंगे आप ये देख रहे हो ना जहां पर आपको ये एरो वाला ऑप्शन दिख रहा है ना दैट मीन वो चेंजेबल है आप उसको चेंज कर सकते हो यहाँ पे ये टिक डेस्क को आप चेंज नहीं कर सकते राइट यहाँ पर यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो तो जहाँ पे आपको एरो दिख रहा है वहां पे चेंजेस के ऑप्शन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि मिल जाते हैं। फिर मम्मा का पूछा गया कि मम्मा जॉब करती हैं या नहीं करती हैं। तो अगर करती हैं तो Uh, आप लिख सकते हो ग्रेजुएट है नॉन ग्रेजुएट है क्या काम करती हैं क्या स्टाफ टाइप uh, है उनका ठीक है ऑफिस का एड्रेस क्या है उनकी क्या है पोस्ट मतलब और फिर उनका मोबाइल नंबर मान लो मैम किसी बच्चे ने जब फॉर्म फिल किया होगा तो उन्होंने अपनी मदर के ऑक्यूपेशन में यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस किया होगा राइट तो इसीलिए वहाँ पट्टी का है, है ना बिल्कुल हाँ. तो इसी तरीके से आपको अपने पापा की प्रोफाइल कंप्लीट मतलब पापा के बारे में कंप्लीट मेंशन करना है अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हो तो बेटा ये अप टू एट थाउजेंड वाला ही आपको फिल करना है क्योंकि अगर उससे ज्यादा होती है ना तो फिर वो कंसिडर नहीं किया जाता थोड़ा थोड़ा सा आई इनकम सर्टिफिकेट अपना रखना अपने पास वो सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है अपने डॉक्यूमेंट प्रूफ अपने पास रखना दैट इज फिर यहाँ पे पूछा गया है ए यू डी रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ़ एप्लीकेबल अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ डिपार्टमेंट में अगर आप पढ़ रहे हो या किसी भी पर्टिकुलर जगह पर हो तो वहां की डिटेल आपको फिल करनी है वैसे तो मैंने नो डाला हुआ है अगर आप इसमें यस डालते हो तो वो किस तरह के ऑप्शन आएंगे वो मैं दिखा दूंगी लेकिन अब तो तो माइग्रेंट में भी मैंने नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है एक सर्विसमैन में मैंने यस लिखा हुआ है, तो मेरे को सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा ठीक है सीसीए कोटा के लिए भी अगर आपको येस लिखना है तो आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करना पड़ेगा चिल्ड्रेन विडोज ऑफ आर्म फोर्स मैंने नॉट आप ले लिखा है अगर आपके पास है तो यू हैव टू गिव द प्रूफ ऑफ दैट सिंगल गर्ल चाइल्ड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पर रिजर्व सीट होती है तो अगर आपके पास यहाँ पर है तो आपको वो चीज दिखानी पड़ेगी दैट यू आर द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट ठीक है तो उसका आपको स्पेसिफिक एक एडवांटेज uh, मिल जाता है फिर आप यहाँ पर देखो जैसे मैं आप लोगों को बताई थी ना एयूडी रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको फिल करनी है तो आई यू करेंटली एनरोल्ड इन एनी डिपार्टमेंट और स्कूल अंडर एयूडी तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंडर अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है अगर आपने येस yes लिखा है तो देन आप देखो आपका यहाँ पे एड्रेस मांग रहा है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम हम रहते कहीं और है मेरा परमानेंट एड्रेस कहीं और का है तो मैं क्या करूँ तो कुछ नहीं करना करेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब अभी जहाँ पर करेंटली आप रह रहे हो वो लिख दो उसके बाद फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस होता है उसमें आप वही लिखोगे जो आपका हमेशा पर्मनेंट, पर्मनेंट, कंट्री ऑफकोर्स इंडिया ही लिखोगे या कुछ बच्चे फॉरन के भी होते हैं तो वो डाल सकते हैं सिटी ये तो मैंने ऐसे ही रैंडम फिल किया आपको एक्सप्लेन करने के लिए सिटी आपका जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं इंडिया में लखनऊ में रहती हूँ तो मैं यहाँ पे लखनऊ डाल दूंगी मेरा कोई डिस्ट्रिक्ट होगा तो वो मैंशन कर दूंगी स्टेट यूपी है और पिन कोड जो भी मेरा होगा वो मैं डाल दूंगी तो एरिया के पिन कोड्स अलग अलग होते हैं आप अपने एरिया का पिन कोड देख लेना क्योंकि उसी हिसाब से ना सारी जो डिटेल्स वगैरह होती हैं वो उसी के हिसाब से फीड होती हैं तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक भी कर

बैक टू का मतलब होता है कि आप वापस से अपने फर्स्ट वाले पेज पे चले जाएंगे तो आप क्या करेंगे उसको पे टिक कर देंगे. अगर सारा फॉर्म आपका ठीक है बिल्कुल करेक्टली आपने फिल किया है तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपको सारा क्या हो जाएगा वो प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा बट इसको ध्यान से करेंगे आप लोग क्योंकि बेटा इसमें गलती करी तो एक बार जो सेव हो गया वो सेव हो गया

है आपका लैंग्वेज लैंग्वेज में आपका इंग्लिश का पूछा गया है कि आपको इंग्लिश में क्या क्या आता है बोलना पढ़ना लिखना जो भी आता है क्योंकि आगे वो ऑब्वियसली इसको यूटिलाइज uh, करेंगे कहीं ना कहीं इंग्लिश और हिंदी के अलावा अगर इसके बाद अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो फिर इसका भी क्या आएगा कन्फर्मेशन आएगा कि ये चीज आपने फिल करी है तो फिर वही तीन ऑप्शन आपको देखेंगे वही जो मैम ने अभी आपको एक्सप्लेन किया अगर आपको लग रहा है कि आपको बैक जाना है तो इधर से चले जाओ अगर आपको लगता है करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो करेक्ट अपडेट कर दे और अगर आपने एक बार प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दिया दैट मींस हां कि कि वो वो नो चांस चेंज हो सकता है इसलिए ध्यान है। से हर, हर ध्यान से से अपनी हर हर फॉर्मेलिटी को बहुत आपको फिल करना है कि ऐसा नहीं हो कि आपने फिर बाद में यू कहो कि मैम ये हमारा आ, 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 मिस्टेक हो गई है तो उसको कैसे करेक्ट करें करेक्शन विंडो कब ओपन ये होगी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है ना बिल्कुल अब आपके पास इस तरह का प्रीफेस दिख रहा है तो सबसे पहले प्रीफेस में आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर बिल्कुल तो अब देखो ये पहले से ही आपको दिख रहा होगा जो अपने सीवीडी के ऑप्शन तो है आप ट्राई करके देख लेना है सर्टिफिकेट में येस लिखा हुआ तो आप अपलोड कर सकते हो आपके पास दो ऑप्शन है इन सर्टिफिकेट्स को अपलोड करने के लिए आप जेपीजी में और जेपीजे में ठीक है दोनों में ही अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हो चाहे फोटो चाहे आपका पीडीएफ ठीक है बस ये याद रखना कि इसको अपलोड करना है इसके लिए मैम इन्होंने के भी मेंशन किए हुए हैं जो कि से लेकर के तक है है ठीक तो इसको अपलोड करना इसको बहुत ध्यान से अपलोड करना कोई भी सर्टिफिकेट अगर आप अपलोड नहीं करोगे तो ये सबमिट नहीं लेगा तो सबमिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना की सर्टिफिकेट्स को मतलब किसी में कुछ अपलोड मत कर देना वरना फिर वो इनवेलिड होगा फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सेम वही ऑप्शन आपको दिखाई देगा अगर आपको कोई डाउट हो उसमें तो लेना आपके पास सिक्सटीन जुलाई तक का टाइम है लॉक लॉक तो एक बार आपने कर दिया आपका ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको इस तरह का कुछ प्रीफेस दिखेगा ये तो मैंने ऐसे ही रैंडम आपके लिए फिल करके दे दिया है तो आपको अपने हिसाब से फिल करना है बहुत ही प्रॉपरली सो अब आप ये देखोगे प्रोफाइल वाला पोर्शन आपका क्या हो चुका है कंप्लीट एंड लॉ इसके लिए कुछ रजिस्ट्रेशन फीस भी आगे मांगेगा और जो कि ऑल दो इन्होंने मेंशन अभी नहीं करी हुई है तो चार सौ साढ़े चार सौ के आसपास की फीस होती है जो जनरल कैटेगरी के लिए होती है और कुछ थोड़ा बहुत सौ डेढ़ सौ का डिफरेंस आता है बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए भी ठीक है तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया आप देखो यहाँ पर दिखा रहा है अप्लाई ना यू हैव नॉट अप्लाइड इन एनी प्रोग्राम अप्लाई ना तो ये वाला प्रोसेस बच्चा कब करेगा हम लोगों ने पहले भी पढ़ करके रखा हुआ था कि जब सीयूटी का रिजल्ट आ, जाए। आ जाएगा सो so इस तरीके से फिर आपको अगले प्रोसेस पे जाना पड़ेगा माई पेमेंट का माई पेमेंट का प्रोसेस में आप जब रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो बिना पेमेंट के रजिस्ट्रेशन होगा नहीं तो जब वो फी पे कर दोगे देन आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको कॉलेज अलॉटमेंट्स वगैरह आने लगेंगे आई होप कि ये पूरा का पूरा जो आज का वीडियो सेशन है वो आपको क्लियर हो गया होगा और आपको अच्छे से बीआर अंबेडकर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा ठीक है बाकी आप